The roughest roads often lead you to the top. Good evening and a very warm welcome on SuperGrads YouTube channel. Today we are going to talk about the journey and not the destination. आई एम इंदौर की पढ़ाई में आपको बहुत मेहनत चाहिए, पर एक बात और सच है कि बीच में आप खूब सारे फेलियर्स देखते हैं. ये खूब सारे फेलियर्स आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहीं बीच में रुक जाते हैं. आज हमने इस एपिसोड में बुलाया है ऑल इंडिया रैंक 18 सीरत कौर एंड ऑल इंडिया रैंक 42 तनिष चौधरी, जो आपको बताने वाले हैं कि उन्होंने अपने फेलियर्स को कैसे ओवरकम किया and they finally reached the success. So these challenges are going to teach you that आपको बीच में कहीं रुकना नहीं है और डेस्टिनेशन की तरफ बस आगे बढ़ते जाना है. India rank 18 Sirat Kaur and All India rank 42 Tanish Chaudhary. A very warm welcome on SuperGrads platform, both of you. And certainly, I'm quite sure कि इनके जो challenges रहे हैं, इनके जो setbacks रहे हैं, उनसे student audience जो अभी glued to the screens है, वो काफी कुछ learn करेंगे, समझेंगे and सीखेंगे. So let's start with Sirat over here. Sirat, let me ask you this particular question. कौन सी ऐसी चीज थी at that point of time? I just want to understand कौन सा ऐसा moment था when you thought कि यार अब कुछ नहीं हो सकता. So the first thing was that I started off late. And जो पहली बात थी कि बच्चे तो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं इतनी लेट शुरू कर रही हूँ, कैसे होगा. और उसके बाद मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे. So this was the biggest challenge for me. मॉक्स में मार्क्स नहीं आते थे, कितने मार्क्स आते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? So I think रोहतक, जैसे मैंने रोहतक के 15 to 16 दिए हैं and I was good at that. But उसके बाद जैसे इंदौर के दिए तो I think 130 भी नहीं कभी क्रॉस किया मैंने. Oh my God. Total score. Guys, एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे सीरत बोल रही है and it's really you must pay heed to this. SuperGrads की IPM मास्टर टेस्ट सीरीज सीरत ने लगाई and certainly she was scoring not more than 130 marks in that particular case. Despite that, she ranked All India 18th in IIM Indore. तो मैं इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा और आगे लेके जाना चाहता हूँ सीरत. तुमने कहा कि मैंने लेट ज्वाइन किया. डेफिनेटली यू वर अ क्रैश कोर्स स्टूडेंट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड तुमने क्रैश के साथ उसकी स्टार्ट करी. इंदौर के मॉक्स में उतना स्कोर नहीं आ रहा था और इंदौर के मॉक्स में इतना स्कोर नहीं आ रहा था. और सबसे बड़ा सेटबैक बाद में लगता है जब रोहतक में सिलेक्शन नहीं होता. वो जर्नी कैसी थी? How were those days? Yes, so actually we usually get attached to Rohtak, seeing that कि वो तो easy है, तो हमें लगता है ये तो होना ही चाहिए. और वो जब नहीं होता तो definitely बहुत depressed feel होता है. कोई कॉलेज हाथ में नहीं होता. And I think 28th में को उसका result, 29th में को उसका result आया था and 16 जून को इंदौर था. So मतलब 30th में onwards, मतलब मैंने अपने आप को attached नहीं किया इंदौर से. I was like very much free. बहुत क्लियर फीलिंग थी अगर होना होगा हो जाएगा. आई एम गोइंग टू पुट माय बेस्ट एफर्ट राइट नाउ. सो जो 15 डेज मैंने एफर्ट डाले दैट वाज जस्ट टू इंप्रूव माय कांसेप्ट्स, नॉट टू गेट इनटू इंदौर. सो दैट्स व्हाट आई डिड. अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे थोड़ी और क्लैरिटी अपन ले लेते हैं. तुम्हारा रोहतक में आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक में भी सिलेक्शन नहीं होता है. सी गाइस, ये एक और बड़ा सेटबैक. सो ये जर्नी में बस ये सेटबैक्स और चैलेंजेस की बात यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम बहुत हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि यार जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता. सो दिस गर्ल हु रैंक्ड ऑल इंडिया 18th इज टेलिंग यू गाइस कि मेरे जो आईपीएम मास्टर टेस्ट सीरीज थी उसमें 130 के ऊपर मार्क्स नहीं आ रहे थे. एक और बात कहती है कि आईपीमैट रोहतक में फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन भी नहीं निकलता. फाइनली शी थॉट कि यार मुझे अपना बस अब बेस्ट देना है, अब जो भी होगा भगवान भरोसे है. 15 दिन तक बहुत मेहनत करी एंड फाइनली आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर में सिलेक्शन होता है. फिर इंटरव्यूज क्रॉस करती है एंड नॉट ओनली दैट, ऑल इंडिया रैंक 18 पे क्या आती है सीरत. नाउ लेट मी आस्क तनिश. तनिश कुड नॉट मेक इट टू द टॉपर सेशन. जब हम टॉपर सेशन ले रहे थे तो तनिश से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ बिकॉज of some issues at his home that point of time. Tanish has joined us late. So सबसे important बात Tanish, सबसे पहले तो वार्म वेलकम ऑन सुपरग्रैड्स प्लेटफॉर्म। बहुत दिनों बाद हमारी बातचीत हो रही है। आई रिमेंबर माई मॉक इंटरव्यू विथ यू। आज भी मुझे वो मॉक इंटरव्यू याद है। मुझे ये भी याद आ रहा है कि मैंने से ये कहा था कि अपने बाल थोड़े ऊपर करो, तुम्हारा फोरहेड दिखेगा तो काफ़ी सही दिख रहा है। तनिश, हाउ डू यू सी, आई मीन तुम्हारा क्या सेटबैक था एंड क्या प्रॉब्लम्स थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? Right. So I started my IPMAT journey April, May only, and till 20th, 28th May, JIPMAT के दिन, I was burnt out. I did not have it मेरे अंदर की और पढ़ पाऊँ. The next 15 days were so weak for me, like study-wise. And then JIPMAT, I messed up my DI section. I knew Jammu and Bodhgaya मेरा नहीं हो पाएगा. Then again Rohtak का I got through the IPMAT test, but and I put all my effort into the interview because I felt like अब पढ़ाई तो होनी रही है. I'll put everything into Rohtak and Rohtak पे ही जलत जाएंगे. And उसके बाद जब Rohtak का result भी मेरे पास नहीं, मेरा Rohtak में selection नहीं हुआ, then it was अब क्या होगा, क्योंकि इंदौर में स्कोर इतना कम है, कैसे इंदौर तो पॉसिबल ही नहीं है, एंड CUET में स्कोर इतना कम है, वो भी पॉसिबल नहीं है, सो व्हाट डू आई डू नाउ, कॉलेज ही नहीं है। ओहो, आई मीन गाइस सी दिस, आई मीन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास यू नो तनिश की जर्नी बिल्कुल अलग रही है। सो ही इज सेइंग कि मेरे पास एक भी कॉलेज नहीं था, मेरे पास JIPMAT का, आई थिंक यू डिड नॉट गेट थ्रू बोधगया, यू डिड नॉट गेट थ्रू जम्मू, सो बोधगया भी नहीं, जम्मू भी नहीं, एंड इनफैक्ट रोहतक का एंट्रेंस तो निकाल लेता है लेकिन PI नहीं होता, सो हाथ में कुछ भी नहीं। तनिश, लेट मी टेल यू गाइस दैट ही इज फ्रॉम दिल्ली, सो CUET भी कहीं ना कहीं मन में होता है कि यार CUET निकल जाए, शहीद सुखदेव अपन जा सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट CUET का भी स्कोर कार्ड आई थिंक तनिश का बहुत लो है। आफ्टर ऑल दैट ही गेट्स थ्रू आई एम इंदौर एंड ऑल इंडिया रैंक 42। So I think this is the journey, guys, and certainly ये journey हमें बताती है कि you know, कोई भी failure हो, आपको हारना नहीं है, हताश नहीं होना है till the last point of time। And अब आप इस point of time पे देखो, मैं उन students को भी जानता हूँ जो कि बोधगया जम्मू चले गए लेकिन उनका इंदौर नहीं निकला, और शायद थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, कहीं ना कहीं सिस्टम को एक ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देती है, बट शायद ये जर्नी लास्ट तक इन दोनों को इसलिए लेके आई क्योंकि एट दी एंड उनको एक बेस्ट कॉलेज मिलना था। ओके, सीरत से पहले, इस जस्ट इंटरव्यू के पहले मैं थोड़ी सी बातचीत कर रहा था, सीरत ने मुझे एक चीज और बताई थी। सो शी वाज क्रैश कोर्स स्टूडेंट ऑफ सुपरग्रैड्स, बट शी वाज ट्राइंग हार्ड कि वो सुपरग्रैड्स के बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैचेस में भी अपना पार्टिसिपेट कर सके। एंड सीरत बता रही है कि उसका सुपर 30 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड सीरत वहां पर? एक्चुअली आई वांटेड टू गेट इनटू दैट बैच बिकॉज़ after all, they were taking the top students, and I thought that definitely it would give a boost to my preparation. But I think उसमें तो 100 भी नहीं cross हुआ था मेरा, so that's why I couldn't get it. Okay, so ये बात हो गई challenges की, हमने कहीं ना कहीं setbacks की भी बात करी, failures की बात करी। इसके बाद की journey बहुत important होती है, because शायद that is what students want to learn from you guys, कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना डाउन होने के बाद आप कैसे जाते हैं, राइट? सो सीरत, व्हाट ऑल यू थॉट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर डिड यू पुट योर कंसंट्रेशन, एंड इस फेलियर से सीधा निकल के सक्सेस कैसे मिली? आई मीन इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट एस्पेक्ट नाउ। यस सर, सो आई थिंक जैसे भगवद गीता में लिखा है कि फल की मतलब टेंशन मत लो, सिर्फ कर्म करो, दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने आई एम इंदौर के बारे में सोचना छोड़ दिया, जस्ट फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग कॉन्सेप्ट्स, उससे जो होना होगा हो जाएगा। सो आई स्टार्टेड विद इम्प्रूविंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्बल एबिलिटी, कॉन्ट्री एप्टीट्यूड, दैट वाज द मेन थिंग। ऑलराइट, सो यू जस्ट पेड हीट टू द कंसिस्टेंसी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, फॉरगिविंग कंप्लीटली अबाउट द रिजल्ट्स। आई मीन पूरी तरीके से वो भूल जाती है कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट पे फोकस ही नहीं है। एंड क्लियरली शी स्टेटिंग दैट भगवद गीता में लिखा हुआ है कि फल की इच्छा छोड़कर आप बस कर्म पे फोकस करो, एंड शी वॉज डूइंग दैट। एंड सर्टनली आई मीन दिस इज द वेरी गुड अप्रोच, एंड उसके बाद वो चीज निकलती है। तनिश, यस, व्हाट डिड यू थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर सीइंग कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट फेलियर्स एंड फाइनली यू गेट इनसाइड आई एम इंदौर? राइट। सो आई रिमेम्बर 3 जुलाई था जिस दिन 5 बजे इंदौर का कट ऑफ आया एंड 8 बजे रोहतक का फर्स्ट लिस्ट आया। सो रोहतक के आने के बाद आई वॉज कि अगले मेरा 18 जुलाई को इंटरव्यू है, अगले 15 दिन मुझे बस अपना बेस्ट देना है, कुछ भी करके, चाहे होए ना होए। आई नीड टू नो कि आई गिव इट माय ऑल नो मैटर व्हाट द रिजल्ट विल बी। अगले साल ट्राई कर लेंगे, डीयू में कोई ड्रॉप पार्शियल ड्रॉप ले लेंगे। आई वाज ओनली फोकस कि अपना बेस्ट देना नेक्स्ट 15 days। सो सारी जीके, सारे हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ, ऑल माई पास्ट अकाड्स, आई पुट ऑल माई एफर्ट्स इनटू जस्ट रिवाइजिंग एंड स्टडिंग पूरा दिन। ओके, ऑलराइट। एंड आई रिमेंबर इवन आवर इंटरव्यू जर्नी, आई मीन बिकॉज तनिश, आई थिंक तुम रोहतक इंटरव्यू में नहीं निकल पाए थे एंड सडनली वो भी एक सेटबैक था, क्योंकि मेरा एक इंटरव्यू नहीं निकला। आफ्टर दैट इफ आई एम ट्राइंग फॉर अ नेक्स्ट वन देन इट्स ऑल्सो बर्डन प्रेशर ऑन माई हेड, राइट? सो इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट पर्टिकुलर जर्नी ऑल्सो, और कुछ एपिसोड्स जो हमारे बीच में हुए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको भी प्लीज पुट इट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। Right. So I have been very extracurricular inclined to, in my past 2 years. So I always thought कि personal interview क्या चीज़ है, मुझे बोलना आता है, सामने वाले को convince करना आता है, I'll do it आराम से। So I think I went in with that attitude in my Rohtak wala interview. But when I had a mock interview with you, you told me how to stay thoda grounded, how my chair was not perfect, how my background was not exactly how it was supposed to be, how I was presenting myself, my glasses, my hair, everything mattered a lot, and how I was basically sitting there in front of the interviewee. So making all those changes in my Indore interview, I think, was the biggest deal for me, because I had a score of 203, and I know people with a score of 235, 240 who are ranked 60, 70, and I got ranked 42 with a score of 203. So that the interview was something which mattered so much for me. ये चीज मुझे पता ही नहीं थी, in fact. A big point being made by Tanish over here that उसके सिर्फ 203 मार्क्स थे आई एम इंदौर में, एंड उसके बावजूद उसकी 42nd रैंक, ऑल इंडिया रैंक आ रही है। ही क्लियर्ड आई एम इंदौर इंटरव्यू, कमेंडेबल जॉब। नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू टू गाइस, एंड सडनली आई थिंक ये एक जर्नी रही है। सो दिस हैज बीन अ जर्नी। सो ऑलवेज दे से यू नो डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जर्नी इज। व्हाट डिड दिस जर्नी टॉट यू? सीरत, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। So first of all, it taught me to give the best of my efforts. अगर मैं vocab की बात करूँ तो it feels like इतनी बड़ी endless है, तो how is it possible in 3 months? Even if I learn 10 to 20 words, still कुछ और पूछ लेंगे। तो so the thing that I learned is that possible होता है, अगर हम relax होके बैठे ना तो possible होता है और हो जाता है, and we have examples with us. So nothing is impossible. So that's what I learned. Nothing is impossible is the message from Sirat's side. Tanish, how will you summarize your journey? So, Sirat also said, my coach has also told me कि कभी भी रिजल्ट से अटैच नहीं होना, तुम्हें अपना पूरा मेहनत देना है, तुम्हें अपना पूरा 100% देना है, एंड नॉलेज की तरफ भागो। एंड दैट्स समथिंग व्हिच रेजोनेट्स विद मी कि नॉलेज लो एंड जो एंड में होएगा वो अच्छे के लिए होएगा सब कुछ। एक और चीज की अपनी मेहनत आप पूरी करोगे, बट एंड में अपने बड़ों का, अपने सबका आशीर्वाद होता है जो एंड में आपको लेके जाता है। कि कभी भी किसी अपने जो बड़े हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं, उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो है, वो बहुत हेल्प करती है, क्योंकि एंड में कोई ना कोई हायर पावर है जो आपको एंड तक धकेलती है। आप हर चीज अपने आप में कभी नहीं कर सकते। That's great. I think you know lot of things happen on those particular days. You know वो 2.5 घंटा जिस वक्त आप एग्जाम लिख रहे हो, जैसे हमें कहाँ कहा जाता है 2 घंटा for I am Indore, उसमें लक भी काफी आपका फेवर करेगा, and certainly you know things may change that point of time as well. Okay, I have asked many questions, but मुझे कुछ चीजें और परेशान कर रही है, तो मैंने सोचा कि एक बार 1-2 और चीजों को उठा लिया जाए। सेक्शन वाइज अगर अपन बात करें तो कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? बिकॉज दिस इज वन थिंग which students would like to know also. तो सिर्फ तुमको कौन से सेक्शन ने बहुत परेशान किया था, and how did you come out of it? So it was vocabulary and reading comprehension. Okay. So as I said कि vocabulary में we feel that ये तो हो ही नहीं सकता, मैं हर रोज भी पढ़ूंगा तो मतलब कुछ और ही आना पेपर में। अच्छा। But the thing is that कुछ high frequency words होते हैं जो जैसे क्लास में भी डिस्कस किए जाते हैं, and उनका मतलब एक लिस्ट होता है, अगर हम उनको गो थ्रू कर लें, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अगर हम रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ें तो ऐसे नहीं है कि वो डिक्शनरी के कोई भी आपको मुश्किल सा वर्ड दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो मतलब वही वर्ड देंगे जो जनरली लैंग्वेज में बोला जाता है। सो इफ वी आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश, डेफिनेटली वी कैन ओवरकम द वोकैबुलरी सेक्शन। एंड रीडिंग से ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अपने आप हो जाता है। रीडिंग से ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाता था। सो वर यू यूजिंग सम न्यूज़पेपर रीडिंग? आई मीन न्यूज़पेपर क्या कर रही थी एग्जैक्टली तुमने? यस सर, आई वाज रीडिंग द एडिटोरियल्स ऑफ हिंदू। यू वर रीडिंग द एडिटोरियल्स ऑफ द हिंदू दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। Tanish, which particular section actually troubled you that point of time? Right. So my main problem was with MCQ ka time management. I could solve the questions, but I used to take a lot of time. And I remember sitting with Anil Sabnis sir, and he telling me ki how to target. Ki pehle easy questions mark karo, then medium, and then you go back to those questions. And that was the make it or break it for me, because I remember I going to the last 5 questions in my actual Indore ka aptitude test. And those 5 questions were the easiest of LRDI in the past 4 years. And doing those 5 questions, I cleared the cutoff by 2 marks. I had a 41 का score and the cutoff was 39 in MCQ. Yeah. यार ये तो बहुत बड़ी बात फिर से बताई तुमने। Tanish is बहुत उसने you know boundary पे खड़ा रहा है हर point of time पर। So he's clearly stating over here that you know easy, moderate, tough जो हम लोग कहते आते हैं, you know हमने काफी सारे videos भी बनाए हैं Art of Skipping के ऊपर on SuperGrads YouTube channel, and suddenly so when he started understanding that you know quantitative aptitude का MCQ वाला part, in fact Anil sir साथ में भी बैठे थे एक बार से ये चीज समझाने के लिए, and he just found that you know easy वाले जो questions थे वो आखिरी में थे कहीं ना कहीं, and अगर वो questions उसने नहीं लगाए होते तो ये बहुत I think बहुत ज्यादा boundary पे खड़ा होता, and शायद वो निकल ही नहीं पाते एग्जाम निकल ही नहीं पाता अगर वो 2 क्वेश्चन सही नहीं होते तो। इसमें that point, ठीक है। So this was about the subject part. And I will summarize this particular interview by saying that, you know, whenever you fall, just jump up, brush up your knees and run again. That is the message of this particular interview. शायद इन challenges से आपने काफी कुछ सीखा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि it's not a smooth drive, guys. It is not smooth at all. So ये जैसी है चलने दो, journey पे focus करो, destination पे नहीं, results पे नहीं, वो अपने आप आपके पास आएंगे। This was all. Thank you, Tanish and Sirat, for giving this valuable time to us. Thank you for sharing your experiences with the students.